तो दोस्तों आपका वापस से स्वागत है टेक्निकल गेमर की एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं अपना जो है आपको रेसिव केस दिखा देता हूँ। मैंने अभी किया है, माय पैक्स में है 158। यो भाई 158 है यहाँ पर मेरा 158। ओ भाई, ओ माय गॉड, मतलब लॉगी की नकल। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने, यहाँ पर जैसा कि देखा था उस वीडियो में आप लोगों ने, यहाँ पर 158 रेस्यूर केस पैक है। सेम बिहेवियर पैक भी 158 है। यहाँ पर मैं एक मिनट, ओ फेंस के ऊपर से मैं जंप नहीं कर सकता, ये मुझे पहले से ही पता था। कोई सीधा आग में जाके, यहाँ पर हमारा स्नो गोलेम अभी जिंदा है क्या? ओके, यहाँ पर हमारा स्नो गोलेम आग में क्यों जा रहा है? ओए ओए, आग में क्यों जा रहा है तू? एक मिनट, ये नेदर राइट है, बीच में कोई भी ब्लॉक दे दो ना, इससे क्या लेना तेरा यार। तो मैं काम करता हूँ, ऊपर से देख सकते हो आप आग को, फ्लाइंट एंड स्टील को देख सकते हो। यहाँ पर कुछ, अभी इसको छोड़ो, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट, मैं आपको आज एक हैक बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको चाहिए कैंप फायर और आप कोई भी फूड ले सकते हो, जैसा कि मैं यहाँ पर, आप कोई भी ले सकते हो लेकिन उसको रॉ होना चाहिए। ऐसे करके आप कोई भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर एक चिकन लिए है, पोर्को चॉप लिया है, बीफ लिया है और मटन लिया है, सब रॉ ही है, फ्राइड नहीं है। यहाँ पर मैं कैंप फायर डाल देता हूँ, उसके बाद जो है मैं स्प्लैश पोशन वाटर बॉटल ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं आपको इस पर मारना है, जैसे ही ये बुझ जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पर इसको इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर देख सकते हो फल क्या है, यहाँ पर आप रख सकते हो। अगर आपका चेस्ट फुल भर गया है तो यहाँ पर रख सकते हो, सिंपल आइडिया है। और आप देख भी सकते हो यहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है, खुलने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो इसको पका भी सकते हो, ऐसे करके आपको बुझाना नहीं है। अगर आपको सिर्फ रखाना है तो आप ऐसे करके रख सकते हो बुझा के, और अगर आपको मतलब पकाना है तो आपको बुझाना नहीं है। यहाँ पर मैं फ्लाइंट एंड स्टील से इसे दोबारा जला देता हूँ। यहाँ पर कुछ ही सेकंड बाद हमारा ये जल के एकदम कुकेड हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। आपको अगर रखना है तो आप रख भी सकते हो, ये स्प्लैश पोशन मार के, स्प्लैश वाटर बॉटल, इसको मार के आप बुझा के रख भी सकते हो। यहाँ पर पक रहा है, देखते हैं कब तक पकता है। और एक हैक दिखाने वाला हूँ आपको, पहले इन सबको फेंक देता हूँ। तो आपको चाहिए पहले ट्रैप डोर, आप कोई सा भी ट्रैप डोर ले सकते हो, मैं यहाँ पर ये वाला लेता हूँ। और फिर चाहिए आपको बेल, बेल 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 बेल, कहाँ पर मिलेगा बेल, जो है यहाँ पर लिख के देता हूँ। बेल चाहिए आपको, BELL बेल, यहाँ पर आपको बेल ले लेना है। उसके बाद चाहिए ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर यहाँ पर मैंने ले लिया है। और फिर चाहिए इसका नाम क्या है, अबे वो कहाँ गया, कुछ यहाँ पे ही तो होना चाहिए था ना, वो लाइट जैसा, वो मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन वो शायद यार कहाँ गया, एक मिनट। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो, हाँ ये है हमारा डे लाइट सेंसर। यहाँ पर आपको डे लाइट सेंसर भी ले सकते हो, यहाँ पर ही होगा स्टिकी पिस्टन के ऊपर डे लाइट सेंसर। आपको फिर भी ना मिले तो यहाँ पर आप ले सकते हो डे लाइट सेंसर। ओके, यहाँ पर मैंने ले लिया है। अब एक हॉर्स क्या देखा है, हॉर्स नहीं हॉर्स, ओके यहाँ पर अभी भी नहीं पका, नहीं मतलब पक गया, ये चारों ही जैसे देख सकते हो यहाँ पर मेरे पक गए हैं। मैंने इनको नहीं डाला, सच में सच्ची मुच्ची मैंने इनको नहीं डाला, ये अपने आप पक गए। ओके, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले करके देखता हूँ और कुछ चाहिए तो ले लूँगा। हाँ हाँ, वुड भी चाहिए। यहाँ पर आपको पहले
ट्रैप डोर्स ऐसे करके लगाने पड़ेंगे। नहीं, वुड नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पर भी सेम, ओए वुड की जगह मुझे ये चाहिए। हाँ, वो जो है वो ये वाला, हाँ, ग्रीन स्टोन। और पीछे से भी कुछ सेम, यहाँ पर ऐसे करके, और सबको मोड़ देना है, सामने नहीं देना है, जिस साइड आप करना चाहते हो सामने नहीं देना है। उसके बाद ऐसे करके मोड़ के, और फिर यहाँ पर लगाना है आपको ग्रीन स्टोन ऐसे करके कुछ, और फिर यहाँ पर आपको लगाना है एकदम जो है यहाँ पर, ऐ यहाँ पर नहीं, ओए ये जो एक खुल रहा है वे बंद हो जा। यहाँ पर आपको दे देना है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कुछ यार, ओए इसके पास में लग जा प्लीज़ यार। ओके, लग गया हो गया इसको तो। अब यहाँ पर आपका, ओए ये खुल क्यों रहा है यार पता नहीं। तो यहाँ पर आपको जैसे ऐसे करके लगा के ऊपर लगाना है ऑब्जर्वर, एंड देन उस पर बेल भी लगा देना है, बिल्कुल आपका जैसा बन जाएगा। उसके बाद आपको आइटम फ्रेम भी चाहिए, ये शायद मुझे नहीं पता था, आइटम फ्रेम चाहिए। और फिर एक क्लॉक चाहिए, क्लॉक, ये रहा मेरा क्लॉक, गोल्डन कलर का है। यहाँ पर मैं दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं आइटम फ्रेम क्लॉक भी दे देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो माइनक्राफ्ट के 12 बज रहे हैं अभी। तो जैसा कि मेरा हैक कुछ बता देता हूँ आपको, अब एक घंटे के बाद, मतलब सच में नहीं, माइनक्राफ्ट का एक घंटा सच में, मतलब हमारे वर्ल्ड में सिर्फ एक मिनट शायद हो सकता है, माइनक्राफ्ट का एक घंटे के बाद ये बेल बजेगा, एक घंटे के बाद ये बेल बजेगा। अगर एक घंटे के बाद नहीं बजाना तो मुझे बोलना। ये ऐसे करके टाइम को जैसे मैं देख सकते हो, ओए इसका टाइम नहीं बढ़ेगा, ओ एक मिनट सॉरी रुकिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने, यहाँ पर आपको यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर ऐसे करके रात कर देना है मिडनाइट। उसके बाद देख सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो है ये बेल बज चुका है। जैसे ही मैं फिर से सुबह करूँगा फिर से एक बेल बजेगा। देखा, हमेशा एक घंटे के बाद हमारा जो है ये बजेगा, बेल बजेगा एक घंटे के बाद, हर एक घंटे के बाद ये बेल बजेगा। और यहाँ पर मैं इस कैंप फायर को बुझा देता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ रखना है, कोई इन सब को फेंको अभी के अभी। यहाँ पर स्प्लैश वाटर बॉटल ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर इसको बुझाओ, इन सब को फेंको। और कमेंट में बताना कि मैं सर्वाइवल मोड में अभी से सर्वाइव करना शुरू कर दूँ, या फिर सर्वाइव करना शुरू कर दूँ, या फिर क्रिएटिव नहीं रहूँ। ओए ओए, शायद ये जो है क्लियर करता हूँ, देखना अभी क्लियर होते ही एक घंटा बजेगा, दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे, मतलब माइनक्राफ्ट के चार घंटे होते हैं जो ये वेदर को रोकने में। ये फैक्ट मुझे आज पता चला। जल्दी से सब्सक्राइब एंड लाइक ठोंक दो, जैसे सब्सक्राइब और लाइक ठोकेंगे वैसे ही मैं समझ जाऊंगा कि मुझे स्केलेटन को मारना है। अगर आप, ओए इसका राइट हैंड में है, और इसका लेफ्ट हैंड में, ओए ओए बिल्कुल अलग। और यहाँ पर एक पिगलिन भी है, ज़ॉम्बी फाइट पिगलिन है यहाँ पर। ओए इसका तो राइट हैंड में है, शायद पीछे से मुझे लेफ्ट हैंड में लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने अपना बना दिया है, यहाँ पर दो पौंड है। यहाँ पर मैंने खेती नहीं की, हाँ पौंड से याद आया, मुझे खेती नहीं की मैंने अभी तक, तो मैं खेती कर लेता हूँ। ओए गिर गया, जल्दी से उठा लो। ओके, खेती के लिए चाहिए चारों ही सीड लेंगे हम, ये चार, एक दो तीन और चार। यहाँ पर मैं खेती करता हूँ, ओए
यहाँ पर मैं पहले यहाँ पर जो है पर थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। यहाँ पर मैं खेती करूँगा ये जो है इसकी सीड्स की खेती करूँगा मैं, पता नहीं कौन सा सीड है, कैरेट का होगा शायद। और यहाँ पर मैं खेती करूँगा, मतलब यहाँ पर नहीं, नहीं 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 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मैं अपना जो है यहाँ पर इसको ढक देता हूँ, अपने आप ग्रास ब्लॉक में बदल जाएगा ये ढक गया। ओके यहाँ पर खेती करूँगा मैं शायद ये जो है पम्पकिन सीड की, पम्पकिन सीड की मैं खेती करूँगा यहाँ पर। ओए यहाँ तो दिखते भी नहीं है पम्पकिन सीड। और यहाँ पर खेती करूँगा मैं, बहुत ही छोटा पड़ रहा है ना, यहाँ से शुरू करता हूँ। ओके यहाँ पर खेती करूँगा मैं जो है मेलन सीड की, ये तो और भी छोटा है यार, ये तो दिख भी नहीं रहा है मेरे को। ओए सॉरी, मेलन सीड यहाँ पर लगा देता हूँ। और यहाँ पर थोड़ा खाली है, यहाँ पर भी खेती कर लेता हूँ मैं। ओके यहाँ पर मैं बीट रूट सीड खेती करूँगा। ओके यहाँ पर मेरा खेती जारी है, यहाँ पर मैं करूँगा सीड, यहाँ पर मैं करूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा पम्पकिन बीट रूट सीड। ये पम्पकिन सीड है मेरे हिसाब से, हाँ ये पम्पकिन सीड ही है। बिल्कुल चारों तरफ हमारा जो है खेती हो रहा है धीरे धीरे। ये हमारा है खेत बिल्कुल घर के पास में। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं सर्वाइवल सीरीज़ में सर्वाइव करूँ या पर क्रिएटिव में ही रहूँ। ओके यहाँ पर मैंने जो है और कुछ हैक मेरे पास है नहीं दिखाने वाले, तो अगले वीडियो से मैं जो है मतलब अगले वीडियो से मैं ओए अगले वीडियो से मैं वीडियो छोड़ूंगा, मतलब यूट्यूब के वीडियो छोड़ूंगा, यूट्यूब के वीडियो मेरा मतलब है मैं खुद यूट्यूब के वीडियो देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। यहाँ पर ये ग्लो ऑक्टोपस यहाँ पर है, क्यों ना मैं अपने घर को कुछ डेकोरेशन करूं, मतलब कुछ डेकोरेट करता हूँ मैं अपना जो है, देखते हैं क्या डेकोरेट किया जा सकता है हमारे घर को। पहले हमें चाहिए ये जो है, ये कहाँ गया, बकेट ऑफ कॉड चाहिए और सैल्मन चाहिए, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पर ग्लासेस भी चाहिए हमें, ग्लासेस यहाँ पर मिल चुके हैं हमें। ओके एंड देन आपको दिखा देता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पर इसको तोड़ो, दो बार तोड़ो और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हाथ लो और ऐसे करके। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने घर के चारों तरफ जो है खड्डे बना दिए हैं दो दो करके। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस साइड को मैं यहाँ पर मैं डाल दूँगा ये बकेट ऑफ कॉर्ड। यहाँ पर जितने भी ब्लॉक्स हैं उतने ही सारे बकेट ऑफ कॉर्ड रखूँगा। ओए मैं तो खुद ही गिर गया इसमें। यहाँ पे भी ओए ये मछली को मैंने थोड़ा सा मारा। यहाँ पर ओए थोड़ा ऊंचा नहीं डाल दिया मैंने, नहीं नहीं ठीक ही है मेरे हिसाब से। ओए ओए नो ओ बे इसको रोको, ये क्या था अभी यार। इस साइड को मैं जो है यहाँ पर ओए ये शायद उछल रहे हैं इससे ज़्यादा। यहाँ पर भी ओए यहाँ पर हो नहीं रहा क्योंकि गलत तरीके से डाला है यार। ओए यहाँ पर ओए ये स्लैब है, स्लैब की वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है, मैं दे नहीं पा रहा हूँ इसको। अब आप कहोगे कि स्लैब को तोड़ दो फिर उसके बाद डेकोरेशन करो,
नहीं लेकिन मैं ऐसा तो नहीं करने वाला। ओए ये मछलियाँ बार बार, ओए नो, यहाँ पर मैं ये जो है सैल्मन देने वाला था। सैल्मन बड़े फिश है। ओए हटो, अबे सैल्मन हटना यहाँ से, मुझे ये इसको पानी देना है, पानी देना है मेरे। अबे कोई मछली, कुछ ज़्यादा ही मछली हो गई क्या? ओ सॉरी यार, यहाँ पे और यहाँ पे और लास्ट बस यहाँ पे। अब हट जा, यस हो गया। अब आप कहोगे कि यहाँ से निकल नहीं पड़ी, मेरा जो है ऐसे करके डेकोरेट कर देता हूँ ताकि अगले वीडियो में मैं इसको थोड़ा और बड़ा करूँगा, मतलब दो ब्लॉक्स और बड़े करूँगा। यहाँ पर मैं ग्लासेस दे देता हूँ। ओए यहाँ पर ऐसे, ओए यहाँ पर ऐसे और फिर ऐसे। ओए ऐसा क्यों रहा है, यहाँ पे पहाड़ जैसा कुछ है। ओए यहाँ पे तो मैंने ग्लास डाल दिया। यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे कर, ओए मुझे गुस्सा आ रहा है, तो जल्दी से लगा देता हूँ। यहाँ पर साया क्यों है, कहीं काला साया तुम नहीं पड़ गया मेरे ऊपर? यहाँ पर मैंने दे दिया है चारों तरफ, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अगले वीडियो में, ठीक है अगले वीडियो में मैं इससे भी अच्छा बेहतर करूँगा, इसको और बड़ा करूँगा और खेती जो है। ओए यहाँ पर मेरा एक बीटरूट हो चुका है। ओए हाँ यहाँ पर मैं तो वो डालना भूल ही गया जो वो खेती के पास में होता है, वो ये कंपोस्टर। कंपोस्टर यहाँ पर डाल देता हूँ और इसको भर भी देता हूँ। एक मिनट, इसको भरने के लिए हमें चाहिए ग्रास ब्लॉक एंड देन इस पर क्लिक करते रहना है जब तक ये भर नहीं जाता। यहाँ पर देखते हैं कितना ज़्यादा भरा है। ये जल्दी से चले जाओ यार, ओके ऐसे करके, ओए हो गए। देन आपको बोन मील मिल जाएगी जिससे कि आप लोग यहाँ पर इसको जो है, ओए ये गाय क्या कर रही है, तेरे को मरने का है क्या? यहाँ पर मेरे को वापस से खेती करनी पड़ेगी इसको यार, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है जब कोई मेरा जो है खेती को बर्बाद कर देता है। वापस से करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं वापस से होई ले लेता हूँ, डायमंड होई। ओके यहाँ पर मैं ये जो ले लेता हूँ, ये मेलन सीड, और उससे आप ये जो है इसको यहाँ पर ऐसे करके। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने जैसे ही आप बोन मील लोगे तो सिर्फ इस पे ही नहीं, आप कोई भी मतलब जो है पेड़ पे आप लगा सकते हो, कोई भी पेड़ पे, कोई भी पेड़ पे आप जो है लगा सकते हो। यहाँ पर मैं बोन मील देना भूल गया, इसको कहते हैं बोन और मील, क्योंकि ये जो है किसी की हड्डी से बना होता है और इसीलिए इसको बोन कहा जाता है, और मील क्योंकि ये सबसे मिलता जुलता है इसीलिए इसको बोन मील कहते हैं, किसी की हड्डी से बना हुआ है। और यहाँ पर इसको मैं बढ़ा देते हैं, किसी की हड्डी से बना है और जो है सबसे मिलता जुलता भी है इसीलिए। एक मिनट, यहाँ पर ओए ओए ओए, यहाँ पर मेरा जो है यहाँ पर ओए ये हमेशा बचता है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मतलब अच्छा तो लग रहा है लेकिन बोर हो रहा हूँ मैं। मुझे क्या है मतलब कुछ करने का, ओए मैंने सोचा ऐसे ही डाल दूँ। ओए ये तो घास उगाती है, और अगर डर्ट के ऊपर डाले तो ये ग्रास ब्लॉक के ऊपर घास उगाती है, लेकिन अगर डर्ट ब्लॉक के ऊपर रखे तो। एक मिनट, डर्ट के ऊपर रख के देखते हैं।
शायद डर्ट के ऊपर भी ये जो है डर्ट को ग्रास ब्लॉक बना देगी एंड देन उस पर ये रहा ये रहा ये ओए ग्रास ब्लॉक के ऊपर ओए ना ये बोन मिल नहीं है सॉरी डर्ट के ऊपर कुछ काम ही नहीं करता ये डर्ट के ऊपर कुछ काम ही नहीं करता ग्रास ब्लॉक के ऊपर करता है। यहाँ पर दूँ तो डर्ट के ऊपर कुछ भी नहीं बन रहा हो इसे उसके बाद हो जाए फिर भी नहीं और हाँ अगर मैं चारों तरफ से हो ही करूँ तो ये क्या है यार मुझे क्या पता भागो ओके इन सबको फेंको। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो में जो है मैं खेती और बढ़ाऊंगा और ये जो है घर का डेकोरेशन और बढ़ाऊंगा मैं दो ब्लॉक्स और बढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए बाय बाय मिलते हैं कल की वीडियो पर।